इसलिए अपने जेब में कुछ भी रखना मगर एक छिपकली नहीं। अगली बार से मैं नहीं पूछूंगी कि आज तुम लोगों ने क्या किया। अरे मानसिंह जी, मानसिंह जी, मानसिंह जी, आपको पता है आज एक छिपकली ने करण को काटा। देखो मुझे तुम्हारी कटी हुई कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज मेरी नानी आ रही है। वो तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, ना मेरी नानी अच्छी है ना उनकी बातें। वो हमेशा मुझे शर्मिंदा करती रहती है, कहती है मुझे और हसमुख होना चाहिए। मुझे? आप तो जोकर से भी ज्यादा हसमुख है। ओ चिंटू, where are you? ओ चिंटू, तू तो वैसे का वैसे ही है लेकिन और भी छोटा लग रहा है। मैं आ रही हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है। आओ जी नानी जी, सत श्री अकाल, पैरी पोना। बॉयज ये मेरी नानी है सुखिंदर कौर ढिल्लो। नमस्ते। और सत श्री अकाल जी मेरे सोने हो मक्खन दे पेड़े हो। चिंटू तू तो गबरू जवान हो गया बिल्कुल मेरी तरह। मैं तेनू जफियां ते पपियां दवा। नानी जी बस 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 बस। ओए इतना सैड क्यों हो रहा है? लिपस्टिक ही तो है। सही उम्र पे शादी करा लेता ना तो ना तू इसकी आदत पड़ जाती। और अब तक हमारे जितने बच्चे भी आ गए होते। अच्छा इसलिए तो मैंने शादी नहीं की। चिंटू नॉनसेंस, ऐसी बात नहीं करते। बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं सिवाय इसके। पर ये ना मेरा मेरा गुलाब जामुन है। अच्छी आ मेरे गुलाब। नो नहीं वो बस बस जुझ। अच्छा तुम क्या कर रही हो मानसिंह? मैं काम कर रहा हूँ रानी। काम? वेरी गुड, मुझे मेरे सारे स्टाफ को ना काम करते हुए देखना है। डैडी चाहते कि मैं होटल का बिजनेस सीखूं। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है रानी। तुम्हें हर डिपार्टमेंट के लोगों को देखना चाहिए क्योंकि इससे तुम होटल इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जान जाओगी। ऐसा करते हैं हम एंट्रेंस से शुरू करते हैं। ये लेकिन वो कहाँ है? वहां जहां हमारे दरबान सुखी जी खड़े हैं उसे एंट्रेंस कहते हैं। वो वाली एंट्रेंस। चले सुखी, तुम क्या काम करते हो? मैं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये नहीं दिखाते कि तुम क्या काम करते हो। रानी यही सुखी जी का काम है। इन्हें इस काम के लिए पैसे मिलते हैं? ये तो इतना आसान है, मैं भी कर सकती हूँ। रानी रानी दरवाजे को ध्यान से खोलते। ऐसे हो गया। नेक्स्ट। तो इससे साफ जाहिर होता है स्टूडेंट्स की 1940s एक बहुत ही दिलचस्प दशक था जिसमें ऐसे नए नए करण। मैंने गलती किया? गलती इसकी थी? नहीं नहीं, गलती तो मेरी है जो मैंने आपको जगा दिया। कोई बात नहीं मैम। थैंक यू कबीर। तो स्टूडेंट्स आप लोग होमवर्क के लिए 1940s की कोई दिलचस्प घटना पे एक ऐसे लिखिएगा। 1940s की दिलचस्प घटना पे ऐसे लिखिए। कौन सी 1940s की दिलचस्प घटना? जैसे कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार, देश की आजादी करण। वाह, इस ऐसे के बारे में सोच के ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। तू थोड़ा जल्दी एक्साइट नहीं हो जाता? रानी जी इंक्वायरी डेस्क पे होने के नाते मेरा काम है किसी भी कस्टमर का फोन आए तो बस। मैं समझ गई, ये तो बच्चों का खेल है। मुझे उठाना है? ओके। हेलो। हाँ मैं रूम नंबर 836 के किसी मिस्टर लालवानी को नहीं जानती हूँ। रानी जी वो एक गेस्ट थे जिन्हें किसी जानकारी की जरूरत थी। तूने इंक्वायरी डेस्क पे फोन करना चाहिए था। रानी जी वो हम है।
ओके हेलो रेस्टोरेंट दुबई का अल हुला मेरा फेवरेट नहीं रानी जी आपको मुंबई के किसी अच्छे रेस्टोरेंट का नाम बताना है लेकिन वो अपने प्राइवेट प्लेन से भी तो दुबई जा सकते हैं नहीं रानी जी हर किसी के पास प्राइवेट प्लेन नहीं होता तुम्हारे पास अपना प्राइवेट प्लेन नहीं है नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पर दोबारा फोन मत करना दीदी तुम मुझे हिस्ट्री होमवर्क में हेल्प करोगी सॉरी करण लेकिन मैं नानी जी के साथ शॉपिंग जा रही हूँ तब तक के लिए तुम मेरे काउंटर से दूर रहना नो फ्री चॉकलेट्स रेडी नानी जी मैं तो कब से रेडी बैठी हूँ तुझे पता है आज मैं तब तक शॉपिंग करूंगी जब तक मैं गिर नहीं जाती मैं मजाक नहीं कर रही तुझे पता है कभी कभी मैं ना बेहोश हो जाती हूँ और हाँ जब भी कभी ऐसा हो ना तो मुझे ये सुंघा दियो पकड़ना और ना मॉल में बहुत ठंड होती है तो मुझे ये भी उड़ा देना पकड़ तुझे पता है मैं स्नैक्स के लिए क्या लेकर आ रही हूँ केले ले 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 पकड़ ले चलो करण हम चलते हैं तुम अपना हिस्ट्री होमवर्क खुद कर लेना लेकिन कैसे 1940s में कुछ अमेजिंग हुआ ही नहीं था खामोश नॉनसेंस तुझे किसने कह दिया 1940s में कुछ दिलचस्प चीज नहीं हुई थी 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लगाया था उसके बाद अंग्रेजों ने सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गांधी जी नेहरू जी सब जेल में बंद हो गए थे और तुझे पता है उनको अंग्रेजों से छुप के किसने इंफॉर्मेशन दी थी एक छोटे से हैम रेडियो स्टेशन ने ये देख मेरे पास है और तुझे पता है ये रेडियो स्टेशन किसने शुरू किया था उषा मेहता ने वाओ सीक्रेट हैम रेडियो स्टेशन अब भी तू बोलेगा कि 1940s में कोई मजेदार बात नहीं हुई थी ये तो सुपर कूल है लेकिन ये कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा आपको कैसे पता कि ये सब सच है मुझे कैसे पता नॉनसेंस मैं वहां थी मैं जवानों को ना गरम गरम फुलके पचाती थी और जब पहली बार मैंने हैम टेक्नीशियन बलविंदर सिंह ढिल्लों को एक साथ 10 फुलके खाते हुए देखा तो मुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे आता और उसके 5 साल बाद हमारा देश आजाद हो गया और उसके बाद हमारी शादी हो गई काफी इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे क्लास में किसी को भी नहीं पता कि उषा मेहता नाम की किसी सुपर कूल फ्रीडम फाइटर ने इतना डेंजरस काम किया था और उसके टेक्नीशियन से आपको प्यार हो गया इसके बारे में मैं जरूर लिखूंगा जरूर लिखना पुत्र और अगर कुछ पूछना हो ना तो घबराना मत क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ पूछो क्या आपके इस बैग में वैक्यूम क्लीनर भी है नॉटी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मेरा स्टाफ सब कुछ संभाल लेगा घंटी क्यों बजाई नहीं नहीं रानी जी कहिए कि मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है तो घंटी क्यों बजाई रानी जी मदद मदद चंपा तुम यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ और अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो मैं घंटी बजा दूंगी ओके मैं इनकी मदद कर दूं प्लीज और एक बात याद रखना गेस्ट से हमेशा तमीज से बात करना और तुम भी एक बात याद रखना जब लहसुन खाया ना तो दूर से बात करना ये बहुत भारी पकड़ना ये मैंने पहले कभी नहीं किया लगेज उठाना काम वैसे तुम्हारा ये वाला बैग ना इस वाले बैग से मैच करा है तो इसे भी पकड़ लो अब दो पकड़ लिए तो तीसरा भी पकड़ लो लेकिन आ जाओ लेकिन लेकिन ये बैग तो मेरा नहीं है पता है लेकिन ये मेरी यूनिफॉर्म के साथ मैच नहीं करा रानी जी रानी जी लगेज उठाना हमारा काम है लेकिन ये बहुत भारी है तो लगेज कार्ट का इस्तेमाल करो ओके मैं आपकी मदद कर देता हूँ सुबह सुबह लहसुन खा के आया कबीर
देखना इस बार मैम मेरे ऐसे पढ़ के एकदम खुश हो जाएगी। करण, मैंने तुझे आज तक कभी भी अपने होमवर्क के बारे में इतना एक्साइटेड नहीं देखा। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुम्हारे ऐसे के रिजल्ट्स मेरे पास है। कबीर, तुम्हें इस पे नोट्स लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मैम, मैं समझ गया। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं। कबीर, वेरी गुड। करण, एफ फॉर फिल। तो अब चलते हैं 1950s की तरफ, जहां पहली बार रॉक एंड रोल म्यूजिक सुनने में आया था। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे समझ नहीं आया, आपने मुझे एफ क्यों दिया? इस बार मैंने अपना ऐसे अच्छी तरह से लिखा था, वो भी प्रॉपर फुल्स के पेपर पे, ना कि कोई पेपर नैपकिन पे। ठीक कहते हो, इस बार तुम्हारे होमवर्क से हाथ पहुंचने का मन नहीं किया, लेकिन ये ऐसे असली घटनाओं पे है, ना ही कि कोई मनगढ़ंत कहानी पे। मनगढ़ंत? जो सच ना हो। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। लेकिन जिस तरह से तुमने लिखा है उस तरह से नहीं। नेताओं को अरेस्ट किया गया था, देश के लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर था, नहीं कि कोई खुफिया रेडियो। और ये बलविंदर सिंह, ये नाम तो कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तुम्हें कभी सोने से फुर्सत मिले तो पढ़ लेना। हाँ, बुरा मत मानो मैम, पर मैं सब बोरिंग क्लास में सोता हूँ। अच्छा, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें डी दे दूँ? वो परफेक्ट रहेगा। डी फॉर डन। Come in. रानी? नहीं, हाउसकीपिंग ट्रेनी। और ये मेरी बॉस। ये बॉस? ये लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम हमेशा अपने काम के बारे में कंप्लेन करती रहती हो। ये देखो, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। रानी जी, स्विच ऑन करना है। ओके। नहीं बोलो नहीं। समझ में नहीं आ रहा, मैम को कंप्लेन करूं या नहीं करूं? ऑलरेडी पनिशमेंट मिल गई है। ओ नॉनसेंस, तू एक पनिशमेंट से डरता है? याद कर उषा मेहता और टेक्नीशियन बलविंदर सिंह ढिल्लों को, उनको अंग्रेजों ने कितनी पनिशमेंट दी थी, लेकिन वो डरे थे ना? नेवर। आप सही कहते हो नानी जी, मैं अंग्रेजों से, मेरा मतलब मैम से नहीं डरता हूँ। क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ पे? जाओ अपने अपने घर जाओ, पढ़ाई करो, सारा दिन खेलते रहते हो, निकलो यहाँ से। मैम आ रही है, नानी मुझे अपने बैग में छुपा ले। क्या कर रहे हैं नॉनसेंस? हौसला रख पुत्रे। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, आपने कहा था ना कि मेरा ऐसे गलत है। मैम, आज मैं सबूत लाया हूँ, वो भी जीता जागता सबूत। नानी, नानी, नानी। ए, बचाओ, बचाओ बलविंदर जी, कहाँ? मैं कहाँ हूँ? तू कौन है? नानी, मैं करण हूँ और ये मेरी हिस्ट्री टीचर मैम दीपिका। नमस्ते। काय का नमस्ते? एक रुक जा, तू है, तू वही है ना जो उषा मेहता और बलविंदर सिंह ढिल्लों का नाम तक नहीं जानती है? तू क्या पढ़ाएगी बच्चों को? ओ, बस करो। बस करो? बड़ों को उल्टा जवाब देती है। तू कैसे कह सकती है कि बलविंदर सिंह ढिल्लों की दास्तां झूठी है? मुझसे पूछ, मैं वहां थी। मैं आपसे पूछ लेती, मगर अब थोड़ी गर्म दिमाग लग रही है। गर्म दिमाग? मैं एक मिनट, मैं तुमको बताती हूँ गर्म दिमाग क्या होता है। ये है गर्म दिमाग। गर्म दिमाग नहीं, टीचर। अब अपने बैग में बेलन भी रखती है? हाँ, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं ना। पुरानी यादें? हाँ, एक ओहो, वो तो मेरे दूसरे पर्स में रह गई। अच्छा हुआ। पर वो वाला पर्स मेरे इस बैग में है। एक मिनट रुक जा तू, एक मिनट। ए ले, पढ़ इसे, पढ़।
ये तो क्विट इंडिया मोमेंट के टाइम की फोटो है। ये रहे गांधी जी और ये नाम पढ़ उषा जी और बलविंदर सिंह ढिल्लो। और डेट है November 2, 1942। लगता है इस बार टेक्स्ट बुक गलत है। सिर्फ टेक्स्ट बुक ही गलत नहीं है, तुझे किसी से माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको गरम दिमाग कहा। ओहो, मुझसे नहीं, इस जलेबी के टुकड़े से। सॉरी करण, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारे ऐसे के मार्क्स बदल देती हूँ और तुम्हारी पनिशमेंट भी वापस ले लेती हूँ। और क्या बाकी है? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था आप मुझे और कितना दे दिए। नॉनसेंस, टीचर का मजाक उड़ाता है। आप स्टूडेंट पे हंस रही हो, टीचर पे हंसता है बदतमीज। मानसिक, मैंने सारे डिपार्टमेंट्स का काम सीख लिया है, अब मैं तुम्हारे काम सीखने के लिए तैयार हूँ। रानी, मेरा काम तुम कैसे? तो मैं किस पे चिल्लाऊं? रानी, मेरा काम चिल्लाने का नहीं है। इसका मतलब तुम मजे के लिए चिल्लाते हो। रानी, मैं रानी, मुझे एक कॉल आ रही है, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो प्लीज। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो। मानसिंह जी, हम रानी से तंग आ गए। हाँ मानसिंह जी, वो दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना है, इनसे खराब काम करने वाली कहीं नहीं देखी। अच्छा, मेरा मतलब था कि तुम कहो। आप लोग सब मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? खास तौर से तुम सुखी, तुम्हारी बात मुझे सबसे बुरी लगी। जी मैम, मैं जानता हूं कि मेरी नई बेलबॉय ने आपका सामान खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो एक्चुअली क्या है कि उसे लगा कि आपका सामान आपसे पहले चेकआउट कर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, इसीलिए। मानसिंह, पूरा स्टाफ मेरी बुराई कर रहा है, कह रहे कि मुझे अच्छा काम करना नहीं आता। वो इसलिए कि तुम्हारी वजह से सबको चोट लगी है। और उनकी वजह से मुझे भी चोट पहुंची है, यहाँ पे, दिल पे। रानी, दिल यहाँ होता है। इसलिए मैंने उन सबको नौकरी से निकाल दिया है। क्या? रानी? मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब भी राजमहल में ही काम करते हैं। थैंक यू मानसिंह जी। और रानी जी, हमें पूरा यकीन है कि आपने जानबूझ के हमें चोट नहीं पहुंचाई। देखो रानी, तुम अपने डैडी से कह दो कि होटल बिजनेस तुम्हारे बस का काम नहीं है। लेकिन होटल बिजनेस मेरे खून में दौड़ता है। नहीं रानी जी, हमारा खून इस होटल में दौड़ता है। देखो रानी, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो और कोई नहीं कर सकता। क्या? कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं करके तुम सब पर ऑर्डर चलाती हो, वो और कोई नहीं कर सकता जैसा तुम कर सकती हो। तुम ठीक कह रहे मान सिंह, होटल में कुछ नहीं होकर मैं कुछ नहीं नहीं करूंगी। अनीता, तुम अलहुला में मेरे लिए एक टेबल बुक करो, और हाँ, चेयर भी। विनीता, मेरे बैग्स पैक करो। जंग बहादुर, उन सारे बैग्स को मेरे प्राइवेट जेट में रखो। मानसिंह, तुम चेक करो कि सब ठीक से काम करें कि नहीं, नहीं करेंगे तो चिल्लाना। थैंक यू। अच्छा हुआ कि रानी चली गई, कम से कम अभी किसी को चोट तो नहीं लगेगी। मानसिंह, कहाँ गए? कोई बात नहीं। चले गए क्या? <गए। laughs>